तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, पॉलीमर पढ़ रहे थे हम लोग। तो पॉलीमर किसे कहते हैं, आपको बताया गया था कि जो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बने होते हैं उस बड़े कंपाउंड को हम लोग पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर का टाइप भी हम लोग पढ़े कि पॉलीमर का टाइप सबसे पहले हम लोग पढ़े कि ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर या होमो पॉलीमर और हेट्रो पॉलीमर पढ़े थे। अगर एक प्रकार के मोनोमर से मिलकर बने तो होमो पॉलीमर, एक से अधिक प्रकार के मोनोमर से मिलकर बने तो हेट्रो पॉलीमर या को पॉलीमर। उसके बाद हम लोग पढ़े आपको सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर जो है कि पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्रोत के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, पहला सिंथेटिक, सॉरी पहला होता है नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक और तीसरा सेमी सिंथेटिक। यहाँ पर हम लोग दो पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो सेमी का मतलब होता है और मतलब आधा भाग, तो जिस पॉलीमर का आधा भाग सिंथेटिक का बना हो उसे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। तो यह जो कि दो चीज से मिलकर बना होता है, किस किस से, आपको इसमें दो पार्ट होते हैं, एक नेचुरल पार्ट होता है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक पार्ट, और दूसरा होता है इसमें सिंथेटिक पार्ट। तो इन दोनों से जो मिलकर बना होता है उसी को सेमी सिंथेटिक कहते हैं, यानी कि आधा भाग नेचुरल होता है और आधा क्या होता है सिंथेटिक होता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, द टाइप्स ऑफ पॉलीमर विच इज फॉर्म बाई नेचुरल एंड सिंथेटिक बोथ टाइप्स ऑफ मोनोमर आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। हिंदी वाले विद्यार्थी क्या लिख सकते हैं कि वैसा पॉलीमर जिसका निर्माण जो एक प्राकृतिक तथा सिंथेटिक दोनों प्रकार के मोनोमर के मिलने से बनता है उसे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। इसमें आधा भाग नेचुरल होता है और आधा क्या होता है सिंथेटिक होता है। अब इसका मेन एग्जांपल आइए एग्जांपल देखते हैं। आधा भाग नेचुरल, देखिए नाम में ही डिफिनेशन है, सेमी सिंथेटिक यानी अर्ध संश्लेषित, यानी आधा भाग ही जो है कि मानव निर्मित है, आधा जो है कि प्राकृतिक निर्मित है। इसको पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सेमी सिंथेटिक का। तो इसका एग्जाम्पल में दिया गया है सेलुलोज एसीटेट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है सेलुलोज एसीटेट। तो नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि यह सेमी सिंथेटिक है, क्योंकि यह भाग हो गया आपको नेचुरल भाग हो गया, यह क्या हो गया सिंथेटिक। क्यों? क्योंकि सेलुलोज जो कि जीव जंतु तथा पेड़ पौधा के शरीर के अंदर बनता है, और एसीटेट जो है कि एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है। एसीटेट क्या है? एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग सेमी सिंथेटिक कहते हैं। तो यह हो गया आपको सेमी सिंथेटिक जो है कि हम लोग देख लिए। अब यह दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, नाम पर ध्यान देंगे तो यह जो कि पता चल जाएगा कि सेमी सिंथेटिक है। दूसरा जो है कि इसका एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है सेलुलोज नाइट्रेट। तो यहां पर लिखते हैं सेलुलोज नाइट्रेट। तो यह जो कि सेलुलोज तो हो गया नेचुरल पॉलीमर और नाइट्रेट हो गया सिंथेटिक पॉलीमर। तो आप देख सकते हैं कि यह सेलुलोज हो गया नेचुरल मोनोमर, सॉरी यह नाइट्रेट हो गया सिंथेटिक मोनोमर। तो यह दोनों प्रकार के मोनोमर से मिलकर बना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। तो यह जो कि सोर्स के आधार पर तीन प्रकार का होता है, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। तो तीनों हम लोग पढ़ लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी आकार के आधार पर, आकृति के आधार पर पॉलीमर के प्रकार। तो इसमें आपसे एग्जाम्पल में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह पूछता है कि कौन सेमी सिंथेटिक एग्जाम्पल है, कौन सिंथेटिक एग्जाम्पल है, केवल इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम कोशिश करते हैं आपको क्वेश्चन तैयार करके और टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो आइए आप पर देखते हैं अब इसका अगला टाइप। तो आइए यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर। यह बांट में आपको पॉलीमर को डिवाइड करने का तीसरा तरीका है, तीसरा बेसिस है जिसके आधार पर हम लोग पॉलीमर को डिवाइड कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि
आकृति के आधार पर पॉलीमर के प्रकार। स्ट्रक्चर यानी आकृति के आधार पर पॉलीमर तीन प्रकार के होते हैं, यानी इट इज मेनली थ्री टाइप्स, या मुख्य रूप से क्या प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर तीन प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन, तो सबसे पहला पॉलीमर का नाम है लीनियर पॉलीमर। सबसे पहला पॉलीमर कौन सा है, लीनियर पॉलीमर। हिंदी में इसको कह सकते हैं रैखिक बहुलक। तो हिंदी वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे, रैखिक बहुलक लिखेंगे। तो लीनियर पॉलीमर किसे कहेंगे, तो वैसा पॉलीमर जिसका आकार एक तंतु के समान, एक रेशा के समान या एक लाइन के समान होता है, उस पॉलीमर को हम लोग लीनियर पॉलीमर या रैखिक पॉलीमर कहते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, द टाइप्स ऑफ पॉलीमर विच इज लीनियर इन शेप आर कॉल्ड लीनियर पॉलीमर। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, इसका एग्जाम्पल में आपको पीवीसी, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया आपको पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, एक लीनियर पॉलीमर है, एक रैखिक पॉलीमर है। लीनियर पॉलीमर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, एक लाइट की दिशा होता है, जो भी लीनियर पॉलीमर होंगे वह इस तरीके से एक लाइट का निर्माण करेंगे। इसमें होता क्या है कि एक विनाइल क्लोराइड फिर दूसरे विनाइल क्लोराइड से जुड़ता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह जुड़कर एक लंबा लाइन का निर्माण करता है, एक रेखा का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीमर कहते हैं। तो लीनियर पॉलीमर जो है कि एक लंबा जो है कि लाइन के आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लीनियर पॉलीमर। उसके बाद एक और इसका एग्जाम्पल है नाइलॉन, तो नाइलॉन भी लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है। नाइलॉन भी लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल इसका हम लोग लिख सकते हैं लीनियर पॉलीमर में आपको HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE, इसको कहते हैं हाई, एच से हाई, डी से डेंसिटी, पीई से पॉलीथीन, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन शॉर्टकट में HDPE भी कहते हैं। तो यह सब जो है एक लीनियर पॉलीमर का निर्माण करता है, एक रेखा का निर्माण करता है, यानी कि प्लास्टिक का जो धागा आप देखते हैं, प्लास्टिक का कोई भी रेशा बनता है, धागा बनता है, वह लीनियर पॉलीमर का बना होता है। किसका बना होता है, लीनियर पॉलीमर का बना होता है, एक रेखा के आकार का पॉलीमर का वह बना होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है, यह जो है एक लीनियर पॉलीमर है, एक प्लास्टिक का धागा है जो किस चीज का बना है, लीनियर पॉलीमर का है, बिल्कुल रेखा के समान यह होता है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर पॉलीमर कहते हैं। यह जो है लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है। अब आइए इसका दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं, दूसरा टाइप कहता है कि ब्रांच चैन पॉलीमर। तो दूसरा टाइप का नाम क्या है, ब्रांच चैन पॉलीमर। इसको मिटाते हैं और दूसरा लिखते हैं ब्रांच चैन पॉलीमर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रांच चैन पॉलीमर। तो ब्रांच चैन पॉलीमर किसे कहते हैं, ब्रांच चैन पॉलीमर, तो वैसा पॉलीमर जिसमें ब्रांच निकला हुआ हो उसको हम लोग ब्रांच चैन पॉलीमर कहते हैं। वास्तव में यह चैन पॉलीमर और लीनियर पॉलीमर होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, ब्रांच निकले हुए रहते हैं, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर बनाते हैं। यह एक लीनियर पॉलीमर हो गया, बिल्कुल रेखा के समान, एक लाइन के समान है, और यदि इस पॉलीमर में ब्रांच निकल जाए तो इसको हम लोग कहेंगे ब्रांच लिंक पॉलीमर, सॉरी इसको कहेंगे ब्रांच पॉलीमर और ब्रांच चैन पॉलीमर। तो इसमें जो है कि ब्रांच निकल आता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ब्रांच चैन पॉलीमर और ब्रांच जो है कि श्रृंखला पॉलीमर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, श्रृंखला बहुलक कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा, वैसा पॉलीमर जिसमें बहुत सारे ब्रांच बने हुए होते हैं उसे ब्रांच चैन पॉलीमर कहते हैं या श्रृंखला बहुलक कहते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिख सकते हैं, द टाइप्स ऑफ पॉलीमर इन विच ब्रांच आर प्रेजेंट इन ए लॉन्ग चैन आर कॉल्ड ब्रांच चैन पॉलीमर। यह आपका लॉन्ग चैन हो गया और उसमें जो कि ब्रांच निकला हुआ है,
इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ब्रांच चैन पॉलीमर। इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में एग्जांपल पूछ सकता है कि ब्रांच चैन पॉलीमर का एग्जांपल कौन सा है। इसका सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लिखते हैं आपको जो कि स्टार्च। तो इसका पहला एग्जांपल क्या है आपको, इसका पहला एग्जांपल लिखते हैं स्टार्च, इसका स्टार्च है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन HDPE, यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन किसको कहेंगे, वैसा पॉलीथीन जो हल्का होता है उसे लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। और कुछ पॉलीथीन जो है कि वजन में भारी होते हैं, मोटा होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन थोड़ा हल्का होता है, डेंसिटी कम होता है उसका, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन थोड़ा सा भारी होता है, मोटा होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जैसे हम लोग सब्जी जो खरीदने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं या सब्जी जिस पॉलीथीन में लाते हैं वह पॉलीथीन लो डेंसिटी पॉलीथीन है। लेकिन जो है कि कपड़ा वपड़ा खरीदने हम लोग जाते हैं तो वहां पर जो पॉलीथीन मिलता है जिस पर कपड़ा का दुकान का नाम अंकित रहता है, तो वह पॉलीथीन हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहलाएगा, वह थोड़ा सा मोटा पॉलीथीन होता है। तो इसको समझ गए। अब आते हैं क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर किसे कहेंगे, तो इसमें होता क्या है कि यह लीनियर पॉलीमर के समान ही होता है इस तरीका से, लेकिन इस एक पॉलीमर दूसरे पॉलीमर के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्रॉस पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर। और एक दूसरे से जुड़ कर यह जो कि एक नेटवर्क का निर्माण करता है, जाल का निर्माण करता है, इसीलिए इसे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हिंदी में क्या लिखेंगे, वैसा पॉलीमर जो जाल के आकार का होता है उसे नेटवर्क पॉलीमर या क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ पॉलीमर विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड नेटवर्क पॉलीमर। तो इस पॉलीमर का जो है कि बहुत सारा उपयोग है, यह पॉलीमर थोड़ा सा रिजिड होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है और भंगुर होता है, यानी कि ब्रिटाइल होता है। यह पॉलीमर जो है कि काफी हार्ड होता है, कैसा होता है, यह पॉलीमर हार्ड होता है, हार्ड यानी कड़ा होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, रिजिड होता है यानी कि कठोर होता है। यह पॉलीमर कैसा होता है, कठोर होता है, ब्रिटाइल होता है यानी कि भंगुर होता है, यानी कि वह जो आसानी से टूट सकता है, ब्रिटाइल BRITILE, ब्रिटाइल यानी कि भंगुर होता है, यानी कि यह टूट सकता है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो एग्जाम्पल में आपको दिया गया है इसका बैकेलाइट। बैकेलाइट जो है आप यहाँ पर देखिए लिखते हैं इसका एग्जाम्पल हम बैकेलाइट, बैकेलाइट। तो बैकेलाइट जो है कि एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है, नेटवर्क पॉलीमर है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो मोटरसाइकिल का जो बैक लाइट होता है तो उसका जो कचकड़ा होता है वह जो इसी का बना होता है, बैकेलाइट का बना होता है। तो वह जो मोटरसाइकिल में जो जिसको हम लोग कचकड़ा कहते हैं अपने भाषा में, वह जो प्लास्टिक होता है वह जो कि नेटवर्क पॉलीमर या जो कि किसका बना होता है आपको, नेटवर्क पॉलीमर या फिर आपको यह जो कि क्रॉस लिंक पॉलीमर का बना होता है। तो यह मोटरसाइकिल का बैक लाइट का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वह बैक लाइट मोटरसाइकिल में जो कचकड़ा होता है वही नेटवर्क पॉलीमर है। उसके बाद क्या है आपको, मेलेमिन है, फॉर्मल डिहाइड रेजिन है, फॉर्मल डिहाइड रेजिन भी यह जो है कि इसका एग्जांपल है। तो बैकेलाइट जनरली पूछा जाता है, तो बैकेलाइट से आपको क्या समझना है कि मोटरसाइकिल में जो कचकड़ा होता है वह क्या होता है, बैकेलाइट का बना होता है। तो यह जो है कि जितना कठोर प्लास्टिक आपको मिलेगा, जैसे कुर्सी वर्सी जो बनता है जो कि प्लास्टिक का कुर्सी वर्सी, वह भी बैकेलाइट का बना होता है। तो जितना कठोर जो कि आपको प्लास्टिक मिलेगा वह सब बैकेलाइट है, वह किससे मिलकर बना है आपको जो कि क्रॉस लिंक पॉलीमर से वो मिलकर बना है। तो यह स्ट्रक्चर के आधार पर तीन प्रकार का तीनों हम लोग समाप्त कर लिए। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन के आधार पर पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब चौथा टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन।
तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यानी कि बहुलीकरण अभिक्रिया के आधार पर पॉलीमर के प्रकार। तो बहुलीकरण अभिक्रिया के आधार पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के आधार पर पॉलीमर जो है कि दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं, कौन कौन, एक एडिशन पॉलीमर और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर और दूसरा क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर। हिंदी में इसको कहते हैं आपको योगात्मक बहुलक, इसको संघनन बहुलक। तो हिंदी वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे कि बहुलीकरण अभिक्रिया के आधार पर पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो पहला लिखेंगे योगात्मक बहुलक और दूसरा संघनन बहुलक। तो दोनों में अंतर दो नंबर में पूछा जा सकता है या इसका एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसको दोनों का अंतर लिख देते हैं। तो अंतर जो है आपको इसके नाम से ही डिफिनेशन आपका तैयार हो जाएगा, वैसा पॉलीमर जिसका निर्माण योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा होता है, एडिशन अभिक्रिया के द्वारा होता है, उसे योगात्मक बहुलक या एडिशन पॉलीमर कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे हिंदी वाले विद्यार्थी कि वैसा बहुलक जिसका निर्माण संघनन अभिक्रिया के द्वारा होता है उसे संघनन बहुलक कहते हैं। अब जो कि इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, द टाइप्स ऑफ पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय एडिशन रिएक्शन आर कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। इसमें लिखेंगे द टाइप्स ऑफ पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन आर कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एक बात इसको ध्यान रखेंगे, एडिशन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है, एक मॉलिक्यूल में फिर दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ता है, फिर तीसरा मॉलिक्यूल जुड़ता है, फिर चौथा मॉलिक्यूल एक दूसरे में ऐड होते जाता है, इसीलिए इसे एडिशन पॉलीमर कहता है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि आपको जो कि ए और बी या बहुत सारा मॉलिक्यूल है, ए आपको बी सी या फिर बहुत दूसरा कोई है, सब आपस में मिलकर कंडेंस कर देता है, आप कंडेंस करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाता है डी। तो यह जो है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसमें सभी आपस में कंडेंस कर जाते हैं फ्यूज करके, और बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज करके जब एक सिंगल पॉलीमर का निर्माण करें तो उसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। अब यहाँ पर एडिशन में क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से ऐड होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और चेन का निर्माण करते हैं, तो इस तरह के पॉलीमर को हम लोग क्या कहेंगे, आपको एडिशन पॉलीमर कहेंगे। तो डिफिनेशन तो हो गया, एक पहला अंतर इसका डिफिनेशन हो गया। दूसरा अंतर में हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा अंतर में इसका जो है कि बारे में एक दो अंतर और लिख देते हैं यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर दूसरा अंतर देखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं। तो दूसरा अंतर में हम लोग क्या करते हैं एडिशन पॉलीमर में, तो दूसरा अंतर में एडिशन पॉलीमर में हम लोग लिखेंगे आपको कि इस प्रकार का जो एडिशन पॉलीमर होता है, तो इस प्रकार का जो पॉलीमर होगा उसका जो है कि में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड निश्चित रूप से पाया जाना चाहिए। एडिशन पॉलीमर जो है कि में वही एडिशन रिएक्शन देता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो पहला अंतर आपका डिफिनेशन हो गया, दूसरा कंटेंट में लिखिएगा इट्स मस्ट बी कंटेन डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो हिंदी इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मोनोमर कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या लिखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट रिक्वायर्ड इन मोनोमर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, किस प्रकार के बहुलक में दो द्वियक बंधन तथा त्रियक बंधन, इस प्रकार के मोनोमर में, बहुलक में इस प्रकार के मोनोमर में द्विबंध तथा त्रिबंध पाया जाता है। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के मोनोमर में द्विबंध तथा त्रिबंध की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह दूसरा डिफिनेशन हो गया, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर हम लोग क्या लिख सकते हैं आपको, तीसरा अंतर में इसका हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा अंतर में क्या करते हैं जो कि एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर आपको, तीसरा अंतर इसको मिटाते हैं और तीसरा अंतर में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो डिफिनेशन हम बोलते जा रहे हैं आप सुनकर उसको लिखते जाइए। तो तीसरा में आते हैं इसका जो है कि एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा में एग्जाम्पल लिखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखते हैं,
और इसका जो एग्जैक्टली एग्जाम्पल इधर लिखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं आपको पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक एडिशन पॉलीमर है। क्यों एडिशन पॉलीमर है? क्योंकि बहुत सारा विनाइल क्लोराइड आपस में जुड़ता है तो पीवीसी का निर्माण होता है। तो विनाइल क्लोराइड जो होते हैं विनाइल क्लोराइड यह आपस में जुड़ते हैं तो पीवीसी का निर्माण होता है। और एक और एग्जाम्पल है आपको पॉलीथीन TH पॉलीथीन। तो पॉलीथीन भी इसका एग्जाम्पल है। इसके बहुत सारे विनाइल क्लोराइड होते हैं। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बताए थे CH2 डबल बॉन्ड CH और CL, तो यही विनाइल क्लोराइड है। इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, एक दूसरा जुटता है, फिर तीसरा जुटता है, फिर चौथा जुटता है और एक लंबा चेन का निर्माण करता है। तो इसीलिए इसको एडिशन पॉलीमर कहते हैं। एक विनाइल क्लोराइड में दूसरा विनाइल क्लोराइड आकर एड हो जाता है। यह जो है कि इसका एग्जाम्पल हो गया पहला, फिर दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपको पॉलीथीन। तो बहुत सारा इथीन मॉलिक्यूल जो है, इथीन मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, एन इथीन मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और कैसे जुड़ते हैं, एक दूसरे से चेन बना के जुड़ते हैं, एक दूसरे में ऐड होते जाते हैं, एक इथीन फिर दूसरा इथीन फिर तीसरा इथीन फिर चौथा इथीन, तो बनता है एक बड़ा सा पॉलीथीन बनता है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम लोग आपको, तीसरा एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग DNA। यहाँ पर ध्यान देंगे DNA भी एडिशन पॉलीमर है। क्यों एडिशन पॉलीमर है? क्योंकि बहुत सारा जो है कि न्यूक्लियोटाइड आपस में चेन बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, तो यह एक DNA बनता है। तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो DNA बनता है। इसको भी हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जो है कि एन मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलता है तो DNA बनता है। और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो आपको और सारा एग्जाम्पल में हम आपको लिख सकते हैं आपको यहाँ पर प्रोटीन। तो प्रोटीन भी प्रोटीन जो एक प्रकार का नेचुरल पॉलीमर भी है और जो है कि एडिशन पॉलीमर भी है। तो प्रोटीन में एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़कर एक लंबा चेन बनाते हैं, इसीलिए इसको एडिशन पॉलीमर कहते हैं। तो बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो यह जो कि प्रोटीन बनता है और जुड़कर एक लंबा चेन बनाते हैं। जब प्रोटीन आपको पढ़ाया गया था तो उसमें आप देखे होंगे, या नहीं देखे तो फिर से जाके देखिए और ध्यान दीजिए, वहां पर बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं एक चेन बनाकर तो प्रोटीन बनता है। तो यह सब जो है कि आपको एडिशन पॉलीमर है। अब इसमें आप देखिए सिंथेटिक पॉलीमर है और एडिशन भी है। पीवीसी या पॉलीथीन सिंथेटिक भी है, एडिशन भी है। यह देखिए डीएनए और प्रोटीन, यह जो कि नेचुरल पॉलीमर है और एडिशन पॉलीमर भी है। एडिशन इसलिए कर रहा है कि एडिशन रिएक्शन से बना है, इसके मोनोमर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, ऐड हुए हैं। और जो कि नेचुरल इसलिए कर रहा है कि इसका स्रोत क्या है, नेचर के द्वारा यह तैयार होता है। अब आते हैं हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर में देखते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में होता क्या है, बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़कर कंडेंस कर जो है कि इस पॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो इसका एग्जांपल में देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल में, इसको हिंदी में संघनन बहुलक भी कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर का हिंदी क्या होता है? संघनन बहुलक। तो इसका एग्जांपल में पहला देखते हैं हम लोग नायलॉन 66। तो नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि यह कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि नायलॉन 66 में दो जो है कि मोनोमर आपस में आकर जुड़ते हैं, तब जाके नायलॉन आपस में आके फ्यूज करते हैं, सॉरी आपस में आके फ्यूज करते हैं, कंडेंस करते हैं, तब जो है कि नायलॉन 66 का निर्माण होता है। तो कौन कौन से होते हैं आपको बताए थे, हेक्सा मिथाइल 16 डाइएमिन और एडेपिक एसिड। आप शायद याद कीजिए इसको क्या बताए थे, तो हेक्सा मिथाइल या हेक्सेन 16 डाइएमिन, हेक्सेन 16 डाइएमिन प्लस एडेपिक एसिड। हेक्सेन 16 डाइएमिन प्लस एडेपिक एसिड यह दोनों आपस में कंडेंस करता है तो नायलॉन 66 का निर्माण होता है। आप यहां पर देख रहे हैं आपको यह जो है, या इसको कह सकते हैं कि यह कंडेंसेशन पॉलीमर तो है ही, साथ में हेटरो पॉलीमर भी है, क्योंकि इसमें दो तरह के मोनोमर होते हैं।
तो यह हेट्रोपॉलीमर भी है, कंडेंसेशन पॉलीमर भी है और सिंथेटिक पॉलीमर भी है, क्योंकि नायलॉन 6 जो है कि वह सिंथेटिक चीज है, फैक्ट्री में तैयार होता है। तो यह तीनों कहा जा सकता है, यानी हेट्रोपॉलीमर भी इसको कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर भी कह सकते हैं क्योंकि आपस में फ्यूज करके बनता है, और इसको सिंथेटिक पॉलीमर भी कह सकते हैं, यानी तीनों एक ही है। तो तीनों का एग्जाम्पल एक ही आप दे सकते हैं, या एक याद हो तो तीनों आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें एक और आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आपको नायलॉन 6 के अलावा जो है कि एक दूसरा एग्जाम्पल इसमें हम लोग दे सकते हैं, बैकेलाइट। तो बैकेलाइट जो है कि वह एक प्रकार का जो कि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल में, या एग्जाम्पल नंबर ए हो गया, एग्जाम्पल नंबर बी में है बैकेलाइट, सॉरी तो इसको यहाँ पर मिटाकर इधर लिखते हम लोग बैकेलाइट। तो बैकेलाइट जो है कि इधर लिखते हैं बैकेलाइट, बैकेलाइट। तो बैकेलाइट को आप देख रहे हैं कि बैकेलाइट एक प्रकार का जो कि कंडेंसेशन पॉलीमर है और सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि, और हेटरो पॉलीमर है, ये भी तीनों चीज हो सकता है। सिंथेटिक पॉलीमर इसलिए कि बैकेलाइट यानी कचकड़ा जो प्लास्टिक का बना होता है, जो हमारे जो कि मोटरसाइकिल में बताएं अभी की यूज होता है, तो बैकेलाइट जो है कि ये सिंथेटिक पॉलीमर भी है, कंडेंसेशन पॉलीमर भी है और हेटरो पॉलीमर भी है। हेटरो पॉलीमर इसलिए है, इसका भी दो तरह की इसमें मोनोमर पाए जाते हैं। बैकेलाइट में कितने मोनोमर पाए जाते हैं, तो बैकेलाइट में दो प्रकार के मोनोमर पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा मोनोमर होता है, तो आइए उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो बैकेलाइट में एक फिनॉल होता है, दूसरा क्या होता है, फॉर्मल डिहाइड होता है। तो बैकेलाइट बना होता है किससे, किससे, फिनॉल आप प्लस फॉर्मल डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मल डिहाइड, याद रखेंगे फिनॉल प्लस फॉर्मल डिहाइड, या फिनॉल और फॉर्मल डिहाइड दोनों से मिलकर बना होता है बैकेलाइट। इसीलिए इसको दो तरह के मोनोमर है, तो यह हेटरो पॉलीमर भी हो सकता है और जो है कि सिंथेटिक पॉलीमर भी हो सकता है और कंडेंसेशन पॉलीमर भी हो सकता है। क्यों कंडेंसेशन पॉलीमर हो सकता है, क्योंकि यह दोनों मोनोमर आपस में जाके फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज करके एक तीसरे प्रकार के जो है कि पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग जो कि कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। तो एडिशन और कंडेंसेशन में क्या अंतर है, कि इसके मोनोमर एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और एक चेन का निर्माण करते हैं, लेकिन इसके मोनोमर आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करके एक तीसरा पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको कंडेंसेशन पॉलीमर या संघनन पॉलीमर कहते हैं। ठीक उसी तरह इसको, और अगर यदि नहीं समझ में आ रहा तो इसको दूसरा तरीका से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि प्लास्टिक का बोतल लिए, फिर जो है कि कप लिए प्लास्टिक का, फिर प्लास्टिक का ढक्कन लिए, डिब्बा लिए, सबको गर्म किए तो एक बर्तन में, तो सब जो कि गर्म होकर आपस में फ्यूज कर गया। अब तो ना वह डिब्बा रहा ना बोतल रहा, जो कि सब फ्यूज करके एक तीसरा पदार्थ बना दिया, तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें मोनोमर आपस में फ्यूज कर जाते हैं, आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर जाते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन इसके मोनोमर आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, या एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो यही कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर का जो है कि बेसिक प्रिंसिपल है और डिफिनिशन है। तो यह इसका डिफिनिशन तो आपको नाम से ही डिफिनिशन, इसका नाम से ही डिफिनिशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल दे दीजिएगा, और एग्जांपल के बाद जो है कि आपको इसमें एक और तीन एग्जांपल को अंतर बताया गया है। तो नाम, दूसरा डिफिनिशन और तीसरा क्या है आपको एग्जांपल। तो इसको जो है कि अच्छे से आप पढ़ेंगे तो यह जो है कि आपको हो गया आपको एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एक मात्र टाइप और बचा है, पांच प्रकार से इसको बांटते हैं, तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद सबका निचोड़ एक जगह आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं चौथा टाइप जो है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्स या आणविक आकर्षण बल के आधार पर पॉलीमर के प्रकार। आणविक आकर्षण बल के आधार पर पॉलीमर के प्रकार, अथवा इंग्लिश में कह सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। यह चार प्रकार के होते हैं, इट इज मेनली फोर टाइप्स।
तो चार प्रकार के कौन होते हैं, तो सबसे पहला है इलास्टोमर्स। तो सबसे पहला क्या होता है, इलास्टोमर्स होता है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है या जल्दी टूट जाता है। दूसरा क्या होता है, फाइबर जिसको कहते हैं, तो फाइबर में अट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है या जल्दी नहीं टूटता है, यानी कि रस्सी जो भी बनता है, जैसे प्लास्टिक का जो रस्सी हम लोग देखते हैं, जो रस्सी बनता है ट्रक व्रक में, अभी कभी देखे होंगे ट्रक में जो कि सामान जो है कि पैक करके ऊपर से उसको बांधा जाता है, तो जो है कि तिरपाल से ढककर और उसको बांधा जाता है, तो जो तिरपाल से ढका जाता है वह तिरपाल हाई डेंसिटी पॉलिथीन होता है, चूंकि वह भारी होता है, और उसके बाद रस्सी से उसको बांधते हैं, तो रस्सी हो गया फाइबर। रस्सी क्या हो गया, फाइबर। तो प्लास्टिक का रस्सी क्या हो गया, आपको फाइबर हो गया, और वह तिरपाल हो गया हाई डेंसिटी पॉलिथीन। तो यह जो है कि आपको, तो तीसरा आते हैं थर्मोस्टेट, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एक पॉलीमर है, और चौथा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यह जो कि किसे कहते हैं और इसका क्या क्या डिफिनेशन होगा, क्या क्या एग्जांपल होगा, इसको अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसको तब तक आप लिख लीजिए, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। अगले क्लास में इसका डिफिनेशन बताकर, एग्जाम्पल बताकर, और फिर जो है कि एक और आपको बताना है वहां पर, रबड़, यानी रबड़ किसे कहते हैं और रबड़ कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद यह आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद यह पॉलीमर टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इस पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी को टेलीग्राम पर आपको भेज दिया जाएगा। इसको पढ़िए, देखिए, और जहां पर डाउट हो वहां पर फिर हमसे पूछेंगे। अगले वीडियो में यह टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो एकमात्र आपका चैप्टर बचेगा कि आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि धातु का निष्कर्षण, जिसमें गैंग, स्लैग और फ्लेक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो वह अभी एक दो दिन में समाप्त हो जाएगा। इसको पढ़िए, देखिए और अच्छे से ध्यान दीजिए।